वी ऑल हैव, वेल हम सभी इंसान हैं और इंसान के रूप में हमें अद्भुत शक्तियां मिली है। केवल इंसान विवेक से अच्छा जीवन जी सकता है। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन लीड अ बेटर लाइफ थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स, नो अदर लिविंग बीइंग कैन। ओनली ह्यूमन बीइंग हैज द एबिलिटी टू यूज द कॉन्शियस, द माइंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस लाइफ। केवल इंसान ऐसा है जो अपने माइंड को कॉन्शियसली यूज करके कुछ अच्छा करने के लिए सोच सकता है। नो अदर लिविंग बींग कैन डू एनीथिंग। देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द बेस्ट क्रीचर्स ऑन दिस प्लानेट। इंसान इस धरती पर मौजूद जीवित प्राणियों में सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी हैं और इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें इतना विवेक ईश्वर ने दिया है, इतनी शक्ति ईश्वर ने दी है कि हम ईश्वर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हम ईश्वर का काम कर सकते हैं। ये हम सबकी शक्ति है। और आप देखते हैं, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने अद्भुत काम किए हैं कि अगर हम उनके बारे में सुने तो सुनते रह जाएं। कल हॉकी की कप्तान रानी रामपाल की कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। यस्टरडे आई रेड द स्टोरी ऑफ रानी रामपाल। इट वॉज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। वो लड़की जो भयंकर गरीबी से निकल करके आई, पहले उसके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं थे। विशाल प्लीज आप कुछ मत करिए ऐसे काम। हम बात कर रहे हैं रानी रामपाल की। रानी रामपाल वो लड़की कितनी गरीब, जिसके पास कोई साधन नहीं थे। घर के पास में कुछ बच्चे हॉकी खेला करते थे और वो उनको देखा करती थी। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ करूं। तो घर के पास में जो बच्चियां हॉकी खेलती थी उनको देखते देखते बड़ी ललक जगी उसके मन में कुछ करने की। और एक दिन एक टूटी हुई हॉकी हाथ लग गई। उस टूटी हुई हॉकी से उसने प्रैक्टिस की। कई काफी समय तक उसने टूटी हुई हॉकी से प्रैक्टिस की और उसके बाद उसने वो जो हॉकी कोच थी उसको जाके रिक्वेस्ट किया, बार बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी आप हॉकी सिखाएं। और उसके बाद आज आप सबको सबको पता है, रानी रामपाल ने भारत की महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल, ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचा दिया पहली बार। तो जहां चाह होती है वहां राह होती है। इफ यू हैव अ विल, यू वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट, यू कैन डू ग्रेट थिंग्स, यू कैन डू मिराकल्स। आप बहुत शानदार काम कर सकते हैं। आप में से सबको रानी रामपाल की कहानी पढ़नी चाहिए। अभी व्हाट्सएप पे वायरल है, हर व्यक्ति उसके बारे में चर्चा कर रहा है कि रानी रामपाल वो लड़की जिसके पिताजी और माताजी बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, वो उतना ही कमाते थे कि दाल रोटी खा सकें। उन्होंने अपनी बिटिया को कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते, हम तुझे आगे नहीं भेज सकते। रानी रामपाल ने अपनी मेहनत करके, अपने परिश्रम करके, मेहनत करके हॉकी में वो जीती। 500 रुपये का इनाम घर पे ला के पिताजी को दिया और उसके पिताजी गदगद हो गए कि वाह बेटा वाह।
तुमने कमाल का काम कर दिया। तो अगर हम चाहें तो जितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा करके इस जमाने में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। हम में से हर व्यक्ति के पास ये क्षमता है कि हम बहुत शानदार काम कर सकते हैं, और हम सबको करना चाहिए। केवल हम इंसानों के पास में ये शक्ति है कि हम विवेक का इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम कर सकते हैं। आप सबको मोहम्मद यूनुस की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में ढाका में रहते हैं। वो रोज पैदल जाया करते हैं अपने विश्वविद्यालय। तो रास्ते में वो देखा उन्होंने कि कुछ लोग जो पहले बांस के फर्नीचर बनाया करते थे, वो अब भिखारी बन गए। मोहम्मद यूनुस उनके पास में गए, बड़े प्रेम से उनसे बातचीत की, पूछा, क्या हुआ, आजकल तुम बांस का फर्नीचर नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, हम कैसे बांस का सामान खरीदें? मोहम्मद यूनुस ने उनसे पूछा, आपको कितने रुपए चाहिए? तो उन्होंने कहा, 1,000 टका चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने अपनी जेब से 1,000 टका उनको उधार दिए। उनका एक ग्रुप बनाया, बोला, अब आप भीख मत मांगो, वापस बांस का जो काम था वो करो। उन्होंने वापस बांस का काम शुरू किया, बांस का फर्नीचर बनाना शुरू किया और उसको बेचना शुरू किया। और आप ताज्जुब करेंगे कि मोहम्मद यूनुस के इन प्रयासों से वो भिखारी फिर से अपना काम करने लग गए, और फिर जिंदगी भर उन्होंने भीख नहीं मांगी। बांस का सामान खरीदा, बांस का फर्नीचर बनाया, बेचा, और जो आमदनी हुई उससे मोहम्मद यूनुस से जो पैसे उधार लिए थे वो वापस लौट आए। मोहम्मद यूनुस इस तरह एक के बाद एक गरीबों की मदद करते गए करते गए करते गए। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि उन्होंने बांग्लादेश में 2.5 लाख भिखारियों को फिर से एंटरप्रेन्योर्स बना दिया, उद्यमी बना दिया। कितना अद्भुत कार्य है! हमें उनको सलाम करना चाहिए, मोहम्मद यूनुस के प्रयासों को सलाम करना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी, मोहम्मद यूनुस के इन शानदार कामों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ये इंसान ही कर सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान को रास्ता दिखा सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ पकड़ करके उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये काम इंसान ही कर सकता है। और जो इंसान इस तरह के काम करते हैं वो वाकई महान बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं वो महान बन जाते हैं। मोहम्मद यूनुस महान व्यक्ति बन गए, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने इतना शानदार कार्य किया। मैं आप लोगों की 7 क्लासेस लूंगा, तो पहली 6 क्लासेस में मैं बोलूंगा और मेरी 7वीं और आखिरी क्लास में आप लोग बोलोगे। लेकिन तब आप लोगों को अपना अपना एक प्लान बताना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी। वो योजना आप बनाएंगे और बताएंगे। आप ये बताएंगे कि किस तरह से आप इसी जीवन में, हमारा जो इंसान का जीवन है, इस अद्भुत जीवन में वो काम कर डालेंगे जो भगवान कर सकता है, यानी दूसरों की मदद, यानी दूसरों को सहारा देना।
क्या प्लान रहेगा आपका, किस तरह से आपका प्लान रहेगा, किस तरह से वो काम करेंगे आप, उसके बारे में आप बताएंगे। और काम भले छोटा हो, काम बिल्कुल छोटा हो, लेकिन काम होना चाहिए दूसरों की मदद का। तो आप सब लोग बताओगे क्या कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। ये कोई जरूर नहीं है कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, करोड़ों का काम करना है, खरबों का काम करना है, नहीं। आप 50 रुपए से शुरू करिए, 100 रुपए से शुरू करिए, 10 रुपए से शुरू करिए, कोई भी ऐसा काम जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों का भला कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, पर्यावरण के लिए अच्छा कर सकें, देश के लिए अच्छा कर सकें, समाज के लिए अच्छा कर सकें। हमारे एक व्यक्ति की कहानी मैंने सुनी, वो पुरानी जो पानी की बोतलें होती है जिन्हें हम फेंक देते हैं, उन बोतलों के अंदर एक एक छेद कर देता है सुई से, उनको पानी से भर देता है और छोटे छोटे पौधे लगाता है पेड़ के, और उनके पास उस बोतल को रख देता है। उस बोतल से धीरे धीरे ट्रिप टिप 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 पानी टपक टपक के पेड़ में जाता रहता है, और उस पेड़ को एक तरह से सिंचाई मिलती रहती है काफी समय, और फिर वो वापस बदलता रहता है। और इस तरह उसने अनेकों पेड़ लगा दिए, अनेकों पेड़ लगा दिए इस तरीके से। एक बुढ़िया के बारे में सुनने को मिला, उसने 80,000 बरगद के पेड़ लगा दिए, एक दो नहीं, 80,000 बरगद के पेड़ लगा दिए। हमने जब देखा सुना तो हैरान रह गए, अरे वाह, कमाल कर दिया इसने तो, कमाल कर दिया। एक व्यक्ति ऐसा है भारत में जो लोगों का 1 रुपए में इलाज करता है। एक डॉक्टर ऐसा है भारत में जो जिसकी फीस है सिर्फ 1 रुपया, वो डॉक्टर सिर्फ 1 रुपए के अंदर अपने मरीजों का इलाज करता है। आपने कभी सुना है ऐसे लोगों के बारे में, पता करिए। अनेक लोग हैं भारत में जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके बारे में पता करिए और 10 लोगों को बताइए। ये आपका आज का काम है, ऐसे लोगों के बारे में पता करिए जो वाकई भगवान का काम कर रहे हैं, उनके बारे में पता करके 10 लोगों को बताइए। देखिए, इस जमाने में अच्छा काम करने वाले अनेकों लोग हैं, लेकिन अगर हम उनके बारे में नहीं बताएंगे तो लोगों को यही लगेगा कि हर तरफ हर कोई बेईमान है, जहां देखो वहां सब बेईमान ही बेईमान है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में शानदार और अच्छा काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर के एक से एक बेहतरीन लोग हैं। तो उनके बारे में पता करिए और उनके बारे में बताइए, सब लोगों को बताइए, और आज कम से कम 10 लोगों को बताइए। देखिए, अगर हम 10 लोगों को बताते हैं और वो भी आगे 10-10 लोगों को बताते हैं, तो कितने लोगों तक बात पहुंची? 100 लोगों तक। वो फिर 10-10 लोगों को आगे और बताते हैं, तो कितने लोगों तक बात पहुंची? 1,000। वो फिर आगे 10-10 लोगों तक बात पहुंचाएंगे, तो कितने लोगों तक बात पहुंची? 10,000। फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। पूरे देश के अंदर बात फैलती है, और एक सकारात्मक बात फैला रहे हैं ना, हम कोई अच्छी बात फैला रहे हैं ना, हम लोगों को अच्छी बात बताते हैं। इफ वी आर टेलिंग गुड थिंग्स टू द पीपल, वी आर गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड। अगर हम लोगों के बीच में अच्छी बात शेयर करेंगे तो हम जमाने में पॉजिटिविटी लाएंगे। इफ यू विल शेयर गुड थिंग्स विद द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू क्रिएट बेटर एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड, है ना।
दैट इज वॉट वी वॉन्ट. वी हैव टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड. हमें एक बेहतर भविष्य बनाना है. वी ऑल हैव टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड. सो वॉट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू डू समथिंग आइदर आवर सेल्व्स और वी हैव टू शेयर स्टोरीज ऑफ दोज पीपल हु आर डूइंग समथिंग वेरी गुड. इफ वी कैन शेयर स्टोरीज ऑफ दोज हु आर डूइंग गुड थिंग्स वी आर हेल्पिंग द वर्ल्ड. राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट. आज आपके सामने एक से एक बेहतरीन लोगों की कहानियां मैं लेके आया हूं. और उन कहानियों का पर्पस क्या है? इन कहानियों को सुनकर के आपको प्रेरणा लेनी है और इन कहानियों को आगे लोगों तक पहुंचानी है. तो ये मेरी क्लास कहानियों की क्लास है आज की. हाँ, मैं इस क्लास में आपको खूब सारी कहानियां सुनाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज, रियली वंडरफुल स्टोरीज. बट द पर्पस इज यू हैव टू शेयर दीज स्टोरीज विद द वर्ल्ड. ये कहानियां सुनकर के भूलनी नहीं है, ये कहानियां आगे दूसरों को सुनानी है. These stories are meant to be shared. क्या आप लोग ये कहानियां दूसरों को सुनाओगे? हाँ, सुनाएंगे. बहुत अच्छी बात है. तो इन कहानियों को सुनिए और इनसे प्रेरणा सुनिए. मैंने अभी तक कौन कौन सी कहानियां सुनाई, वापस बात करता हूँ. भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल की कहानी सुनाई. वो कहानी जिसमें एक लड़की जिसकी बिल्कुल कमजोर आर्थिक स्थिति थी, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, सिर्फ मेहनत करके वो आज इस मुकाम पर आई है कि वो सेमीफाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है. मैंने आपको मोहम्मद यूनुस की कहानी सुनाई. वो व्यक्ति जिसने बांग्लादेश में 2.5 लाख बहुत गरीब लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मजबूत बना दिया. कन्वर्टेड 2.5 लाख बैगर्स इनटू एंटरप्रेन्योर्स, एक मिसाल है. मैंने आपको ये जो भी कहानियां सुना रहा हूं, इनका मकसद है वी हैव टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन, बहुत पॉजिटिविटी. अगली बार कोई बोले जमाना बहुत खराब है तो आप ये कहानियां सुनाइएगा, बोलिएगा देखिए इस जमाने में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, आप क्यों कहते हो कि जमाना बहुत खराब है? कितने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? किस सदी में मिलेंगे? किसको मिलेंगे? इतने अच्छे लोग इस दुनिया में है. अभी की बातें हैं, ये इतिहास की बातें नहीं है, ये अभी की बातें हैं. रानी रामपाल ये अभी की बात है, मोहम्मद यूनुस ये अभी की बात है, 80,000 बरगद के पेड़ लगाने वाली महिला ये अभी की बात है. वी आर टॉकिंग अबाउट देम. हमारे एक मित्र हैं निर्मल बरडिया, अभी वो एक मकसद पर काम कर रहे हैं, 10 से 15 लाख पेड़ लगाने के. बीकानेर की गोचर भूमि में 10 से 15 लाख पेड़ लगाएंगे वो अभी अगले 5-6 महीने में. वो इस तरह के काम करते रहते हैं, 10 से 15 लाख पेड़ लगाएंगे. आप सोचिए कितना बड़ा काम होगा, कितना शानदार काम होगा. गोचर भूमि का मतलब समझते हैं आप? गोचर भूमि वो भूमि होती है जो हर शहर के पास में गायों के लिए रिजर्व रखती जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गाय को हम
अपनी माता के बराबर मानते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। इसलिए हर शहर के पास में थोड़ी जगह गायों के लिए खुली छोड़ दी जाती है। वो जमीन सबकी है पर किसी की नहीं है, सरकार की भी नहीं है, किसी की नहीं है। आप उस जमीन पर मकान नहीं बना सकते, झोपड़ी नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस सिर्फ गायें रह सकती है वहां पे, गायों के लिए पेड़ लगाए जा सकते हैं वहां पर। तो हर शहर के पास हजारों किलोमीटर की जमीनें गोचर भूमि के रूप में होती है। तो निर्मल बरड़िया बोली, इस गोचर भूमि में अगर हरे भरे पेड़ लगा दिए जाएं तो गायों को कितना आराम मिलेगा, पूरे शहर के लिए ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मिलेगी। तो बीकानेर शहर के पास स्थित गोचर भूमि में, जो हजारों किलोमीटर की गोचर भूमि है, उसमें उन्होंने पेड़ लगाने का काम शुरू किया और अनेक लोग उनके साथ में लग गए। सब लोग सुबह सुबह वहां जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, जिम वगैरह नहीं जाते, सब लोग आजकल उनके साथ में वहां जाते हैं, श्रमदान करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पीपल के पेड़ लगाते हैं, बरगद के पेड़ लगाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों के पास नालियों में अक्सर पीपल का पेड़ उग जाता है, वो अपने आप ही उग जाता है, वो अक्सर नालियों के पास उग जाता है जहां बाद में लोग उसको उखाड़ देते हैं क्योंकि वहां जगह नहीं होती। इसलिए तो निर्मल बरडिया ऐसे पीपल के पेड़ वहां से ले आते हैं जहां उनका सम्मान नहीं है, जहां वो पेड़ उखाड़ दिया जाएगा वहां से वो ले आते हैं और ला करके जंगल के अंदर, गोचर भूमि के अंदर उन पीपल के पेड़ को लगा देते हैं, बरगद के पेड़ों को लगा देते हैं। ऐसे करके अभी वो 6 महीने के अंदर 10 से 15 लाख पेड़ लगाएंगे। हम बीकानेर के रहने वाले सब लोग उनके साथ में लगे हुए हैं। अब आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति करना चाहे कितना अच्छा काम कर सकता है, कितना अच्छा काम कर सकता है। इससे उस व्यक्ति को पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जमाने को फायदा मिलेगा, गायों को फायदा मिलेगा, देश को फायदा मिलेगा, पर्यावरण को फायदा मिलेगा। हमें ऐसे लोगों की कहानियां दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, है ना? वी विल बी एबल टू क्रिएट पॉजिटिविटी, वी विल बी एबल टू स्प्रेड स्टोरीज ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू द वर्ल्ड। हम अच्छे लोगों की कहानियां दूसरों के साथ में शेयर करेंगे, कितना आनंद मिलेगा और हम इस दुनिया में कितना अच्छा बदलाव करके रहेंगे, बड़ा आनंद मिलेगा। सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड यू नो शेयर द स्टोरीज ऑफ दीज लिविंग लेजेंड्स। ये जो कहानियां मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो अभी हैं हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में हैं, काम कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू द स्टोरीज ऑफ लिविंग लेजेंड्स। दीज पीपल आर अमंगस्ट अस, दीज पीपल आर एक्चुअली डूइंग देयर वर्क, दीज पीपल्स आर हियर नाउ। ये लोग इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम भी इनसे प्रेरणा तो ले सकते हैं ना। हम और कुछ नहीं तो इनकी कहानियां जमाने को सुना सकते हैं ना। आप देखिए, सुबह सुबह का अखबार पढ़ते हो क्या आप? सुबह सुबह अखबार पढ़ना मुझे तो अच्छा नहीं लगता आजकल, सच कहूं मुझे सुबह सुबह अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अखबार खोलते ही मायूस हो जाता हूं मैं, अखबार खोलते ही मायूस हो जाता हूं मैं। क्या पढ़ता हूं मैं? हर तरफ बुरी खबरें, कहीं किसी व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कहीं किसी कोई बलात्कार की खबर है, कहीं कोई हत्या की खबर है, कहीं भाई ने भाई को मार दिया,
अखबार वाले चुन चुन करके ऐसी घृणास्पद कहानियां छाप देते थे। और मैं ऐसी खबरों से अपने दिन की शुरुआत नहीं करना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट माई डे विथ सो नेगेटिव न्यूज। मैं नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई डे विथ पॉजिटिविटी। मैं अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए सकारात्मक भावना से करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है, इफ आई हैव पॉजिटिविटी आई कैन शेयर पॉजिटिविटी। मुझे पक्का विश्वास है, अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, तो मुझे चारों तरफ सकारात्मकता मिलेगी। मैं खुद सकारात्मक हूं, पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूं। मुझे आप जैसे बेहतरीन दोस्त मिलेंगे, आप जैसे ऊर्जा से भरे हुए, जोश से भरे हुए, एनर्जेटिक और पॉजिटिव लोगों से मेरी दोस्ती होगी। मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से होगी जो वाकई बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं जमाने में। तो फिर मैं क्यों सुबह सुबह नेगेटिविटी से शुरुआत करूं? लोग आपको कहते होंगे रोज सुबह सुबह अखबार पढ़ो। मैं कहता हूं मत पढ़ो, अखबार मत पढ़ो, सुबह सुबह तो मत पढ़ो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे देश में एक से एक अद्भुत काम करने वाले लोग हैं, उनकी कहानियां पढ़ो और उनकी कहानियां दूसरों के साथ में शेयर साझा करो। स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करो और अपने मन में ये भावना भरो, आज का दिन शानदार है, बहुत अच्छा दिन है, हम बहुत खूबसूरत दुनिया में हैं, बहुत अच्छी दुनिया में हैं, बहुत अच्छे लोगों के बीच में हैं। और इस दुनिया में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लेनी है, और मुझे भी बहुत बड़ा काम करना है। बहुत बड़ा काम से मतलब ये नहीं है कि कोई करोड़ों का काम करना है। आप एक छोटा सा काम कर लो, वो भी बहुत बड़ा काम होगा, पर काम का मकसद बड़ा है ना, किसी की मदद करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा फैलाने का। अब आप घर से बाहर निकले और आपने देखा किसी ने अपने घर में से तुलसी का पौधा निकाल करके तोड़ करके बाहर फेंक दिया। अब आपने उस पौधे को उठाया प्यार से और बगीचे में ले जा करके अच्छी जगह पर उस पौधे को वापस लगा दिया। कितना आनंद मिलेगा सच में, करके देखिएगा। मैंने यही काम इस शनिवार को किया। मैं स्टेशन जा रहा था और रास्ते के अंदर क्या देखता हूं कि कोई व्यक्ति एक तुलसी का पौधा फेंक रहा है सड़क के ऊपर, घर में से निकाल के। और मैंने तुरंत वो पौधा उठाया, थोड़ा आगे गया, एक पीपल का गट्टा था, उस पीपल के गट्टे के ऊपर मैंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी सी जमीन खोदी, उस तुलसी को वापस उस गट्टे में लगा दिया, और जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास एक बोतल में था वो पानी उस पर गिरा दिया। वो तुलसी वापस लहलहाने लग गई। और वापस जब कल मैंने देखा तो वो तुलसी का पौधा अब हरा भरा हो गया वापस। पहले मुरझा गया था, अब हरा भरा हो गया। बड़ा आनंद मिलता है ना। इस दुनिया में आप पर्यावरण के साथ, हरियाली के साथ रहो, पर्यावरण के साथ रहो, प्रकृति के साथ रहो, बड़ा आनंद मिलेगा आपको, बहुत आनंद मिलेगा। कौन कहता है कि यहां चारों तरफ उदासी ही उदासी है? आप एक बार मुस्कुराओ, आपको हर तरफ, हर पत्थर में मुस्कुराहट नजर आएगी दोस्तों, हर पत्थर में मुस्कुराहट नजर आएगी। जमाना मुस्कुराएगा आपके साथ। जी भर के मुस्कुराओ दोस्तों, जी भर के मुस्कुराओ। इंसान के रूप में ये
हमारे हाथ में ताकत है, हम चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं और हम चाहें तो लोगों को आंखें दिखा सकते हैं। बाकी प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ये इल्म नहीं है, ये इल्म तो सिर्फ हमारे पास है। हम चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं और हम चाहें तो लोगों को आंखें दिखा सकते हैं। हम चाहें तो खुशियां फैला सकते हैं और चाहें तो गम बरपा सकते हैं। तय हमको करना है और हमने तो तय कर लिया। क्यों, आपने भी तय कर लिया ना? हमने तो तय कर लिया, हमें मुस्कुराहट फैलानी है, हमें खुशियां फैलानी है, हमें लोगों के बीच आनंद फैलाना है। तो तय कर लिया, उसका काम शुरू करना है। वी हैव टू डू समथिंग टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, वी हैव टू डू समथिंग टू स्प्रेड हैप्पीनेस विद क्लियर डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ में, पक्के इरादे। इतना मजबूत इरादा होना चाहिए अब आपका, अगली बार कोई बोले जमाना बहुत खराब है तो उसको बोलिए मेरी नजर से देखिए जमाना बहुत अच्छा है, मेरी नजर से देखिए बहुत अच्छा जमाना है। वो बोलेगा कैसे कह रहे हो तुम जमाना अच्छा है? अब आपको उसको वो कहानियां सुनाइएगा जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। उसको पूछिए क्या आप उस व्यक्ति की कहानी जानते हो जिसने 2.5 लाख भिखमंगे लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया? नहीं पता ना। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो जो अभी इन्हीं 6 महीने में 10 लाख पेड़ लगाने वाला है? नहीं जानते ना। क्या आप उस महिला के बारे में जानते हो जिसने 80,000 बस बरगद के पेड़ लगा दिए? नहीं जानते ना। तो तुम जानते क्या हो भाई, तुम जानते क्या हो जमाने के बारे में? क्या तुमने रानी रामपाल की कहानी सुनी है जिसके पास चप्पलें तक नहीं थी और अब वो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है? बोलेगा नहीं जानता। तो उसको पूछो भैया तुम जानते क्या हो, तुम क्या जानते हो जमाने के बारे में? जमाना बहुत पॉजिटिव है, आप उस पॉजिटिविटी के बारे में बात करो, जमाने की पॉजिटिविटी के बारे में बात करो। और मैं तो यही विषय पढ़ाता हूं, मेरे विषय का नाम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इनोवेशन, यानी समाज के विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए जो लोग नवाचार कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, समाज के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ कर रहे हैं, नया बिजनेस लगा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूं इलाबेन भट्ट की, गौर से सुनिएगा। इलाबेन भट्ट, नाम से ही आप समझ गए होंगे ये गुजरात की लड़की थी, लड़की है। इस इलाबेन भट्ट ने अपने आसपास गरीब महिलाओं को देखा, बहुत कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को देखा, लेकिन एक बात महसूस की कि इन महिलाओं को आता बहुत काम था। उनको 10 काम आते हैं लेकिन कमाई एक से भी नहीं कर पाती। उनको पापड़ बनाना आता, मुड़ी बनानी आती, सिलाई करनी आती, कसीदा करना आता, लेकिन कमाई कोई नहीं। उसने क्या किया, इन महिलाओं का एक समूह बनाया, सोशल ग्रुप समूह बनाया, उनके प्रोडक्ट्स तैयार करवाए और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना शुरू करवाया, और जो आमदनी हुई वापस उन महिलाओं को बांट दी। है ना, अच्छा काम। और ये काम खूब बढ़ता गया, खूब बढ़ता गया, खूब बढ़ता गया, कमाई भी खूब बढ़ती गई और महिलाओं की मदद करती गई। ये काम उन्होंने 1972 में शुरू किया था। उस वक्त कुछ महिलाएं थी, उनकी संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज तक वो काम चल रही है, कर रही है
इलाबेन भट्ट आज भी वो काम कर रही है और अभी 30 लाख महिलाएं ये काम करती है। 30 लाख गरीब महिलाओं की मदद कर रही हैं इलाबेन भट्ट रोज। अच्छा लगा ना सुनकर के, 30 लाख गरीब महिलाओं की इस तरह मदद कर रही है। देखिए उनका काम तो उसी दिन महान हो गया जब उन्होंने एक महिला की मदद की थी, फिर दो तीन चार पांच बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और अब 30 लाख महिलाओं की मदद की थी। है ना शानदार काम। देखिए अगली बार आपने अपने मोहल्ले में किसी गरीब महिला की मदद करी तो इलाबेन भट्ट को याद करिएगा और सोचिएगा आप भी कितना अच्छा काम कर रही हो। इलाबेन भट्ट को अपने काम के लिए पद्मश्री का सम्मान मिला, इतना अच्छा काम कर रही है। आप इस तरह से एक छोटा सा कदम काम करिए ना। एक छोटे से बालक की कहानी सुनी थी मैंने। समुद्र के किनारे कभी गए हो आप लोग? देखा होगा आपने, बड़ा मनोरम नजारा होता है, बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग वहां पे आनंद मनाने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग पानी के साथ खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। कुछ लोग वहां पर मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी की बॉल बनाते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं। समुद्र की लहरें आती है, खन 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 आवाज आती है, कितना मधुर संगीत होता है। आह कितना आनंद होता है। दुनिया में उतना मधुर संगीत और कहीं नहीं मिल सकता आपको, यकीन मानिए। इस प्रकृति के अंदर जो संगीत है ना, जो इस प्रकृति का संगीत है, उसके आगे सारे संगीत फीके हैं। वो संगीत जो लहरों से सुनने को मिलता है, वो संगीत जो सुबह सुबह पेड़ों के अंदर गौरैया चुक 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 गा करके आपको सुनाती है, वो संगीत जो तेज हवाएं चलती हैं तब पेड़ पत्ते पौधे और बांस इनसे निकल करके आता है, अद्भुत संगीत होता है। वो संगीत जो जंगल के अंदर मोर नाचते हुए गाता है, अद्भुत संगीत होता है। दोस्तों ये प्रकृति अद्भुत है। तो मैं आपसे उस मधुर संगीत और मधुर माहौल के बीच बात कर रहा हूं। समुद्र है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लहरें आ रही है, लोग आनंद मना रहे हैं। तो वहां एक छोटा सा बालक है। जब लहरें आती है तो लहरों के साथ में कुछ मछलियां आ जाती हैं और फिर बेचारी तड़पड़ाती है क्योंकि पानी तो चला जाता है और वो मछलियां जमीन पर रह जाती है छटपटाती हुई। तो एक छोटा सा बालक वहां घूम रहा होता है, वो क्या करता है, वो एक मछली जो छटपटा रही है उसको उठाता है और वापस समुद्र में पानी में फेंक देता है। तो कुछ लोग, कई तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, चार तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कर्ता, जो खुद अपने हाथ से कोई अच्छा काम करते हैं। एक होते हैं श्रोता, जो दूसरों अच्छे काम करने वालों के बारे में सुनते हैं। वो कहते हैं यार एक कहानी और सुना दो ना, एक कहानी और सुना दो ना, है ना। बचपन में हम लोग भी अपने माता पिता को बोलते रहते हैं एक कहानी सुना दो ना, एक कहानी सुना दो। हम कर्ता नहीं है पर श्रोता हैं, कोई बात नहीं। और तीसरे होते हैं दृष्टा, जिनको देखने में मजा आता है तो वो देखते रहते हैं, है ना। और चौथे किस तरह के होते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो नालायक होते हैं, तो अपन क्या बात करें। ऐसे लोगों की बात ही मत करो जो नालायक होते हैं, बात उन करो उनकी करो जो कुछ करते हैं। तो कर्ता, कर्ता पहले, फिर श्रोता, फिर देख दृष्टा, दृष्टा भाव रखने वाले, देखने वाले, चौथों की बात ही नहीं करेंगे अपन। तो उधर से एक आदमी गुजर रहा था, वो चौथे किस्म का था। तो वो उस छोटे से बालक के ऊपर हंसता है, हा। हंसी मजाक उड़ाना बड़ा आसान है, हम में से हर कोई कर सकता है,
लेकिन करना नहीं चाहिए। खैर एनी वे, तो वो उस छोटे से बालक को देख करके हंसता है, हाँ। और पता है फिर उस बालक से क्या पूछते हैं, अरे बेवकूफ बालक, ये मछलियां, कितनी मछलियां आ रही है, मर रही हैं, तो किस किस को बचाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ ये सब काम। तो उस छोटे से बालक ने जवाब दिया, ना आपके कोई फर्क पड़ने वाला है, ना मेरे कोई फर्क पड़ने वाला है, ये देखो ये मछली है ना, इसके जीवन पे फर्क पड़ेगा, और ये देखो ये मछली गई, एक मछली और उठाई और पानी में गिरा दी, और वो मछली पानी में वाह फिर खेलने लग गई। कितनी अच्छी कहानी है, एक छोटा सा बालक महान काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं बहुत महान काम कर रहा है, बहुत महान काम कर रहा है। ये कहानी आपने भी सुनी होगी, मैं कहता हूं ये इस बालक को भले पद्मश्री मिले ना मिले, कोई अवार्ड मिले ना मिले, लेकिन तहे दिल से इस आदमी के लिए, इस छोटे से बालक के लिए बोलिए, हाँ ये बहुत महान काम कर रहा है। क्योंकि वो जो मछली जो तड़बड़ा रही थी बाहर, उस मछली को ये उठाता है और समुद्र में जोर से फेंक देता है, वो मछली वापस पानी में तैरने लग जाती है। आप सोचिए उस बालक को भी आनंद कितना मिलता है और उस मछली को कितना आनंद मिलता है। तो ये जीवन है दोस्तों, इस जीवन में हम सकारात्मकता फैलाएं, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, बस यही जीवन का नाम है। और इसी के लिए प्रयास करना, इसी के लिए कुछ नवाचार करना, ये हमारा काम है, कोशिश हमको करनी है, बड़ा आनंद मिलना है हमें, निश्चित रूप से बड़ा आनंद मिलेगा। सर थोड़ा और कहानी सुनाइए। अच्छा अरे कहानियां ही सुना रहा हूं, तुम इंतजार करिए, कहानियां ही तो सुना रहे हैं, हमने कितनी कहानियां अब तक की हैं, वापस भूलनी नहीं है ये कहानियां, वापस कितनी कहानियां बताई हमने, रानी रामपाल की कहानी, फिर हमने बातचीत की थी, किसके बारे में बातचीत की थी, हमने बातचीत की मोहम्मद यूनुस की कहानी, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की कहानी, फिर हमने बात की उस महिला की कहानी जिसने 80,000 पेड़ लगाए, बरगद के पेड़, फिर निर्मल बरड़िया की कहानी, 10 लाख पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने बात की थी इलाबेन भट्ट की कहानी, और अभी अभी बात की उस छोटे से बालक की कहानी, उस छोटे से बालक की कहानी जो एक एक मछली उठाता है और पानी में फेंक देता है। महान काम है, बहुत महान काम है, ये सब बहुत महान काम है। तो जीवन के अंदर जहां जहां हम एक अच्छा काम करने के लिए प्रयास करते हैं, एक अच्छा काम करने की सोच बना लेते हैं, दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि हमें अच्छा काम करना है, शुरुआत हो जाती है। जिस दिन हम ये तय कर लेते हैं हमें अच्छा काम करना है, उसी दिन से एक सोच, एक अच्छे काम की शुरुआत हो जाती है, बहुत बढ़िया काम शुरू हो जाता है। तो ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां हमें बांटनी है लोगों के बीच, कम से कम 10 लोगों को सुनानी है, और इन कहानियों के बीच में जो मकसद छुपा हुआ है वो समझना है। अब मैं आपको गुवाहाटी, अब मैं आपको आसाम ले जाता हूं, बहुत खूबसूरत है आसाम, आप में से शायद ही किसी व्यक्ति ने आसाम की यात्रा की होगी, लेकिन बहुत खूबसूरत है, तो मेरी कहानी के द्वारा आसाम की यात्रा करिए। आसाम में पहाड़ियां बहुत है, जंगल बहुत है, लेकिन अफसोस ये है कि जहां जहां इंसान पहुंचता है वहां सब खत्म कर देता है। मैं तो इसको इंसान नहीं, हैवान कहूंगा। इंसान के दो स्वरूप होते हैं, एक सकारात्मकता का जैसे इलाबेन भट्ट का, और एक हैवानियत का जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, पेड़ काट देता है, हरे भरे पेड़ काट देता है, एक पेड़ कटता है, आप सोचिए कितने पशु पक्षियों के जीवन खत्म हो जाता है, एक पेड़ को काटते ही कितने पशु पक्षियों का जीवन खत्म हो जाता है, सोचिए कितना नुकसान होता है पर्यावरण को। तो हम इंसानों ने यही किया है, ये हैवानियत है हमारी।
लेकिन आसाम में एक बंदा है, उसको वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अद्भुत है। उसने जब ये उसको पहले एक छोटी सी नौकरी मिली थी कि तुमको पेड़ लगाने हैं, तो वो उसने कुछ समय ये नौकरी की। फिर नौकरी तो कोई 5-6 महीने की उसकी छोटी मोटा काम था, नौकरी खत्म हो गई, उसके साथ काम करने वाले सब चले गए, लेकिन उसने कहा मैं अब और कोई काम नहीं करूंगा, मैं यही काम करूंगा। और वो पेड़ लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, पूरी जिंदगी उसने पेड़ लगाने में बिता दी। और आप ताज्जुब करेंगे, उस व्यक्ति ने एक जंगल खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति ने अपने दम पर विशाल जंगल खड़ा कर दिया। उस विशाल जंगल में अब हजारों पेड़ हैं, हजारों पेड़ हैं। उस व्यक्ति को आप महान इंसान कह सकते हो, उस इंसान को महान इंसान कह सकते हो। आप देखिए कितना महान इंसान है कि उसने अपने दम पर हजारों हजारों पेड़ लगा दिए, एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। एक तरफ हैवान लोग हैं जो जंगल काट डालते हैं, जंगल के जंगल काट डालते हैं, और एक तरफ इतने महान इंसान हैं जो अपने स्तर पर अपने आप पूरा जंगल खड़ा कर देते हैं। आप सोचिए कितनी अद्भुत कहानी है इस व्यक्ति की, कितनी अद्भुत कहानी। बड़ा आनंद मिलता है कभी मौका मिले तो उसके लगाए हुए जंगल को देख के आइए। अद्भुत है, अद्भुत है ऐसे लोग। जहां आप इस प्रकृति को सहारा देने की कोशिश करते हो, आप महान बन जाते हो। भारत में प्रबंध अध्ययन की सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन मानी जाती है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद के संस्थापक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। हालांकि IIM अहमदाबाद भारत सरकार की लगाई हुई है, लेकिन अगर हम संस्थापक की बात करते तो नाम आता है विक्रम साराभाई, जिन्होंने प्रयास करके, अहमदाबाद उन्हीं का उनकी जन्मभूमि है, तो इसलिए उन्होंने प्रयास करके अहमदाबाद में, पहले IIM बम्बई में शुरू होने वाली थी ऐसा भारत सरकार योजना बना रही थी, तो नेहरू जी से विक्रम साराभाई मिले और उनसे अनुरोध किया कि आप IIM को अहमदाबाद में स्थापित करिए, तो फिर अहमदाबाद में शुरू हुई। उस वक्त के दुनिया के सबसे टॉप आर्किटेक्ट हुआ करते थे लुई कहान, तो लुई कहान ने उसकी पूरी बिल्डिंग का डिजाइन बना के भेजा और उसके तहत IIM अहमदाबाद का निर्माण शुरू हो गया। तो जब भवन का निर्माण हो रहा था तो विक्रम साराभाई अक्सर देखने जाया करते थे, तब तो वो IIM अहमदाबाद के वहां निर्माण के लिए जाने वाले थे, तो देखा एक श्रमिक एक पेड़ को काट, आम के पेड़ को काटने की योजना बना रहा था, काटने वाला था। तो विक्रम साराभाई ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले ये पेड़ काटूंगा। अरे पेड़ मत काटो भाई, पेड़ मत काटो। तो साहब ये डिजाइन है, इस डिजाइन के अनुसार इस पेड़ को काट करके यहाँ पे कोई स्लोप बनाना है। तो विक्रम साराभाई ने कहा नहीं, वो स्लोप हटा दो, सीढ़ियां बना दो, लेकिन कृपया इस पेड़ को मत काटो। तो साहब आपको आर्किटेक्ट से बात करनी पड़ेगी। तो क्यों, मैं अभी करता हूँ। उन्होंने तुरंत आर्किटेक्ट से बात की, रिक्वेस्ट किया भाई ये पेड़ को तो बचा रहो, डिजाइन में थोड़ा सा आप तब्दीली कर दो। तुरंत डिजाइन में तब्दीली कर दी गई, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया गया, पेड़ को बचाया गया। ऐसे महान लोग होते हैं। आप विक्रम साराभाई के लिए जितने भी अच्छे शब्द कहो कम है, मैं कहूंगा वो महान व्यक्ति था। ही वॉज ग्रेट पर्सन इंडीड, बिकॉज ही वॉन्टेड ट्रीज टू ग्रो, ही वॉन्टेड ग्रीनरी टू ग्रो, ही वॉन्टेड आवर एनवायरमेंट सो वी शुड बी विद आवर एनवायरमेंट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर ट्रीज, वी शुड प्रोटेक्ट आवर इको सिस्टम। अगर अपन पेड़ों की बात करें और अमृता देवी की कहानी की बात न करें तो क्या फायदा?
राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली अमृता देवी की कहानी अद्भुत है। वहां पे एक बार पेड़ों को काटा जाने वाला था। अमृता देवी पेड़ को पकड़ के खड़ी हो गई, बोली, आपको काटना है तो पहले मुझे काटिए, फिर इस पेड़ को काटने दूंगी। वाकई उसने अपने आप को कटने दिया, एक के बाद एक 300 से ऊपर महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। पेड़ नहीं कटने देंगे। उस वो बिश्नोई समाज से है, उस समाज की आज भी यही परंपरा है, न पेड़ कटने देंगे, न हिरण को मरने देंगे, न जानवरों को मरने देंगे, न मोरों को मरने देंगे। आप किसी भी बिश्नोई गांव में चले जाइए, वहां आपको मोर खूब मिलेंगे, हिरण खूब मिलेंगे, खूब पेड़ मिलेंगे, क्योंकि वो किसी को मरने नहीं देते हैं। वो कहते हैं, आप मेरी जान ले लो, इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा आपको, मेरी जान ले लो, इस हिरण को नहीं मरने दूंगा मैं। और इसी कारण से उनसे बेहतरीन पर्यावरण प्रेमी कौन हो सकता है दुनिया में? कितने अद्भुत पर्यावरण प्रेमी हैं वो लोग। क्या आपने हिरण के छोटे बच्चों को दूध पिलाती हुई महिला की फोटो कभी देखी है? इंटरनेट पे खूब वायरल हुई थी ये फोटो, व्हाट्सएप पे खूब वायरल हुई थी ये वीडियो, कि जहां एक हिरणी की मौत हो जाती है, उसके छोटे छोटे बच्चों को एक बिश्नोई महिला अपना दूध पिलाती है और अपने बच्चों की तरह पालती है। ये वीडियो, ये फोटो बहुत वायरल हुई थी। ऐसी कहानियां वायरल होनी चाहिए, सबको बताइए। हम लोग हर व्यक्ति के पास प्रति, हर प्राणी मात्र के प्रति मन में बहुत करुणा का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं और खूब हरियाली फैलाते हैं। अभी एक कहानी पढ़ी थी एक छोटी सी बालिका की, मेरे ही शहर की, बीकानेर की, बीकानेर के पास छोटे से गांव की एक छोटी सी बालिका की कहानी। उस बालिका के घर के पास एक कबूतर मरणासन्न पड़ा था, मरने वाला था। उस छोटी सी बालिका ने उस कबूतर को उठाया, अपने घर ले आई, उसको उसका इलाज करवाया, पानी दिया, उसको अन्न दिया और धीरे धीरे वो कबूतर फिर चलने लग गया। और फिर कबूतर वापस हवा में उड़ करके चला गया। फिर उसकी इस कहानी को सब लोगों ने शेयर किया, उसका फोटो, उसके वीडियो सबके साथ पे शेयर किए। मुझे बड़ी खुशी मिली। शेयर करनी है तो ऐसी कहानियां शेयर करो। आज के अखबारों में इस तरह की कहानियां नहीं मिलती दोस्तों। सुबह सुबह अखबार मत पढ़ो, सुबह सुबह इस तरह का काम करने वाले लोगों की कहानियां खुद भी पढ़ो, दूसरों को बताओ और इस पूरे जमाने में सकारात्मकता फैलाओ। बहुत खूबसूरत दुनिया है दोस्तों, इससे बेहतरीन दुनिया संभव नहीं है। इस बेहतरीन दुनिया के अंदर हर तरफ खुशियां फैलाओ, जी भर के मुस्कुराओ। आप मुस्कुराओगे, जमाना भी मुस्कुराएगा। देखो जरा, हम में से हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ तो लगाना चाहिए, कल नहीं आज। और जैसे जैसे वो पेड़ बढ़े, आपकी खुशियां दुगनी तिगुनी होती जाएगी। उस पेड़ को जाके देखिएगा जिस पेड़ को आपने लगाया है, उसके हर पत्ती के साथ आपको अपनी खुशहाली, अपनी खुशियां अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आएगी। कोशिश करिएगा, अगली बार कभी आपको मौका मिले, बहुत बड़ा काम करिएगा, बहुत बड़ा काम। और सबसे बड़े काम ही यही होते हैं, जमाने में खुशियां फैलाना।